हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू प्लस आपके बेसिक साइंस के क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसका सिक्स पार्ट है। इसके पांच पार्ट्स पहले आ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे कुछ जो लेक्चर हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बायलिंगुअल लेक्चर हैं वो आप अनअकैडमी पर भी देखिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कोर्सेज है वहाँ पर, आपको 8-10 वीडियो मिल जाएंगे अभी रिसेंट में जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे। और बाकी वीडियोज भी वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे जो कि एकदम फ्री हैं, तो उन वीडियोज़ को भी देखिए और जो यहाँ पर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। द रोंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर लाइन इज, इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए लीडर लाइन इज अ थिन कंटिन्यूस लाइन कनेक्टिंग अ नोट और अ डायमेंशन फिगर। ऑप्शन दो, वन एंड ऑफ द लीडर लीडर टर्मिनेट्स आइदर इन एन अराउंड हुड और अ डॉट। ऑप्शन थ्री, द लीडर इज ड्रोन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड। ऑप्शन फोर, यूज अ कॉमन लीडर्स फॉर मोर देन वन फीचर शुड नेवर बी मेड। क्वेश्चन नंबर 51 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर करेक्ट होगा, द लीडर इज ड्रोन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द एल इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पर बताना है इनमें से जो ए शो किया गया है, ए लाइन, ये कौन सी लाइन है। आउटलाइन है, सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है, डायमेंशन लाइन है। 52 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, सेंटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच टाइप ऑफ एरो हेड इज यूज्ड। ओपन, स्मॉल ओपन सर्कल, क्लोज्ड एंड फिल्ड, ओब्लिक। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ओब्लिक। व्हाट इज द नेम ऑफ थिन कंटिन्यूस लाइन विच एनक्लोज द डायमेंशन लाइन्स आर जनरली ड्रोन 1 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन। डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन। 54 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, एक्सटेंशन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन कंटिन्यूस लाइन विद द एंड्स टर्मिनेटिंग इन एरो हेड्स एंड इज एनक्लोज बाई एक्सटेंशन लाइन्स, आउटलाइंस और सेंटर लाइन। डायमेंशन लाइन होगी, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 55 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, डायमेंशन लाइन। अ सर्टेन इंजन प्रोड्यूस 10 kW इंडिकेटेड पावर, इट्स मैकेनिकल इफिशियंसी इज 70%, देन द फ्रिक्शनल पावर इज। ऑप्शन है आपके यहाँ पर, आपको बताना है इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, कैसे आप इसको सोल्व करोगे। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो इफिशियंसी होती है मैकेनिकल ईटा एम हम इसको लिखते हैं, इजिकल्स टू 1 - PF डिवाइड बाई PI। अब यहाँ पे PF क्या है, PF है इंजन फ्रिक्शनल पावर किलोवाट के अंदर, और PI क्या है, PI है इंजन इंडिकेटेड पावर किलोवाट में। तो यहाँ से आपके पास में एक फॉर्मूला है जो वैल्यू हमें पता है, N की यहाँ पर ईटा की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 70%, और मैकेनिकल एडवांटेज जो दी गई है हमें इफिशियंसी के टर्म में, और प्रोड्यूस जो इंडिकेटिंग पावर है ये हमें 10 kW दी गई है, ये वाली वैल्यू ये भी हमें पता है। अब हमसे पूछा गया है जो ये हमारी वैल्यू है PF की, यहाँ पर फ्रिक्शनल पावर की आपसे पूछा गया है, तो आप इसको सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। 0.7 हम यहाँ पर रखेंगे जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें, और 1 माइनस करेंगे, PF हमें निकालना है और डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 3 kW, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर्स टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल सिलेंडर SI इंजन, सिंगल सिलेंडर CI इंजन, मल्टी सिलेंडर CI इंजन, मल्टी सिलेंडर SI एंड CI इंजन। 57 और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा, मल्टी सिलेंडर SI एंड CI इंजन। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग या MIC वेल्डिंग।
58 और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4 MIG वेल्डिंग। द फेनोमेनन ऑफ वेल्ड डिके अकर्स इन कास्ट आयरन ब्रास ब्रोंज स्टेनलेस स्टील। 59 इसका राइट आंसर आपको करना है क्या होगा, चलिए 59 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्टेनलेस स्टील। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, जो फिगर है आपको 60 आपको दिखाया गया है ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, आपको मिलिंग बताना है बेसिकली, यहाँ पर अप मिलिंग है, डाउन मिलिंग है, क्लिम मिलिंग है या एंगुलर मिलिंग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 और इसका राइट आंसर होगा अप मिलिंग। अप मिलिंग है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटल बाय कटर विच इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ वर्क पीस। जब वर्क पीस के ट्रेवल करने की दिशा के अगेंस्ट जो हमारा कटर है वो चलता है, तो इस केस में जो अपमिलिंग केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 61 और इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज डिफाइंड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके सामने है, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए 62 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इफ द डिस्प्लेसमेंट डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ द वर्क डन इज, जो वर्क डन है वो कैसा होगा आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 इसका राइट आंसर आपको करना है क्या होगा, आपके ऑप्शन है मैक्सिमम एंड पॉजिटिव, मैक्सिमम एंड नेगेटिव, मिनिमम एंड पॉजिटिव, मिनिमम एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 63 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ हिज वेट ऑन द मून विल बी अप्रोक्सीमेटली 64 इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा जो मून पर ग्रेविटी होती है 1/6 होती है अर्थ की, तो उसी फॉर्मूले को आप यहां पर यूज करके इसका आंसर कर सकते हैं, तो ये 1/6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन 64 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 65 देखिए, इफ लोड इज W एंड एफर्ट इज P देन मैकेनिकल एडवांटेज इज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी, चलिए इसका आंसर कीजिए P बाई W, W बाई P, P मल्टीप्लाई W, P स्क्वायर अपॉन W 65 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 W अपॉन P लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी वेज 121 ग्राम एंड 125.44 ग्राम ऑन टू डिफरेंट पेंस ऑफ अ फॉल्टी बैलेंस इट्स ट्रू वेट विल बी, इसका जो सही वेट है वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 और इसका राइट आंसर होगा 123.22 ग्राम। इस केस में आपको क्या करना है, इसका आपको एवरेज ले लेना है, यानी कि डब्ल्यू एवरेज जो होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू वन प्लस W2 डिवाइड बाई कर देंगे आप 2 से और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 123.22 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। एट हिल्स वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस अबव 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस नन ऑफ दीज 67 और इसका राइट आंसर आपको करना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही हिल्स पर वाटर बॉइल करने लग जाता है और यही कारण है कि जो पहाड़ों पर जो हम कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि चावल देर में बनते हैं या जो भी दाल वगैरह जो भी ऐसा कुकिंग का क्वेश्चन आता है वो यही कारण है कि वो जो वाटर है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉइल हो जाता है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ SG एट 27 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर विल बी डबल्ड इफ द वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट इज। क्वेश्चन नंबर 68 और इसका जो राइट आंसर है ये आपको करना है। चलिए इसको देखिए कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल है इसको आप कर सकते हैं। P1V1 ये वाली हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है P1V1 अपॉन
T1 is equals to P2 V2 upon T2, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर क्या कहा गया, इफ द वॉल्यूम इज कैप्ट कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, यहाँ पर वॉल्यूम को कैंसिल आउट कर दो आप यहाँ से, तो P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेशर दिया गया है सेंटीमीटर ऑफ एस जी, तो इस केस में आपने देखा प्रेशर आपको दोनों नोन थे, एक 75 है, दूसरा इसका डबल कर देंगे, टेम्परेचर T1 आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस, और जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका 68 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है 4 करेक्ट होगा, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस आंसर आपका आ जाएगा। सॉरी ये केल्विन में वैल्यू है, अगर मैं आपको बताऊँ ये यहाँ पर जो इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है ये सेल्सियस में नहीं आएगी, ये आएगी केल्विन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको केल्विन कर लेना है, केल्विन के अंदर ये वैल्यू दी गई है। आप सेल्सियस में देखोगे तो सेल्सियस में आपकी जो 54 डिग्री सेल्सियस आएगी, और जब आप इसको केल्विन में चेंज करोगे 273 प्लस ऐड करोगे इसमें, तो ये 327 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तब करेक्ट होगा जब ये यहाँ पर क्या होगा केल्विन में लिखा होगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेना आप एक बार। ए ब्रास रोड 1 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड थ्रू 80 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन लेंथ बाय 1.6 mm, द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास विल बी। 69 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। चलिए 69 देखिए कैसे करते हैं। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई टेम्परेचर। मैं इसको लिख देता हूँ, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्वल्स टू होगा चेंज इन लेंथ, यानी कि मैं डेल्टा से दिखा देता हूँ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो हमारी एल थी, और मल्टीप्लाई जो हमारा टेम्परेचर है वो यहाँ पर होगा, जो आपको वैल्यू गिवन है इसमें फॉर्मूला इनपुट करनी है और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका आएगा इसका 69 का ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर आपको दिया है 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द टेम्परेचर एट विच द सेम वैल्यू ऑन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल्स एग्जिस्ट, और इसका ऑप्शन आंसर जो है आप सभी जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर 70 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 -40 डिग्री। 1 कूलम चार्ज इज 71, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, 71 इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, इन केस ऑफ स्टोरेज सेल इट शुड बी चेक्ड वाइल द अक्यूमुलेटर इज बीइंग यूज्ड दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट फॉल बिलो। 72 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका, ठीक है। इन अ स्टोरेज लेड बैटरी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड नॉट फॉल बिलो 1 फॉर इट्स इफेक्टिव वर्किंग, तो ये आपको याद रखना है। 73, करंट फ्लोइंग थ्रू 100 वाट 250 वोल्ट मार्क बल्ब इज। 73 इसका राइट आंसर आपको करना है, आई आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने एम्पियर निकलेगा, ठीक है। 73 देखिए कैसे करेंगे इसको, आप इसको छोटे से फॉर्मूले से पी इजकल्स टू आपको पता है क्या होता है, वी इजकल्स टू आई वी आई होता है, यहाँ पर पी आपको पता है वी आपको पता है, तो आई यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, और आई की वैल्यू जो निकल कर आएगी 73 की ऑप्शन नंबर 73 और इसका जो राइट आंसर आएगा 0.4 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है 73 का आंसर मैंने आपको किया 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्मेचर ऑफ अ डायनोमो इज मेड विद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, CU मटेरियल या प्रोक्लेन मटेरियल। 74 और इसका जो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर होगा, आर्मेचर ऑफ डायनोमो इज मेड विद कॉपर मटेरियल बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 75, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ डायोड पर सेकेंड व्हेन द प्लेट करंट इज 16 mA इज। तो 75 का आंसर आपको यहाँ पर करना है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। 75 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10⁻¹⁷ इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चंस को देखा जो आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से थे। और भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में और लाए जाएंगे, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखते रहिए। और जो बाकी वीडियोस हैं आप बाइलिंगुअल देख सकते हैं अनअकैडमी पर, मेरे जो मैंने लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप उन वीडियोज़ को भी देखिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।